हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं आज 12th क्लास की अकाउंटेंसी। तो 12th क्लास की अकाउंटेंसी का ये हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है। इससे पहले आपके इसी चैनल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज और 11th क्लास की अकाउंटेंसी की काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। सिंपल सी बात, हमको 12th क्लास की अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले जो चार पांच चैप्टर स्टडी करने हैं वो है पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम फंडामेंटल बातें सीखते हैं, फिर रेशो चेंज करना, फिर एक नया पार्टनर अगर फर्म में आता है तो हम कैसे डील करते हैं, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये हमको सीखना होता है कि अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जाता है, रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हमको कैसे डील करना है। फिर पार्टनरशिप का एक चैप्टर है उसको हम बोलते हैं फर्म का हमको समापन करना है, मतलब अगर हमको पार्टनरशिप फर्म को अगर हमको बंद करना है तब हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। पर अभी हम जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट चैप्टर जो हमको बेसिक सी बातें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। तो पार्टनरशिप को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने 11th क्लास के अकाउंटेंसी के अंदर जब हमने अकाउंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अकाउंटिंग की जरूरत, अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों होती है। सिंपल सी बात, अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एक टाइम पीरियड के बाद ये जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुए या लॉस हुए। इस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए वो क्या करता है, अकाउंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करता है। जब वो सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करता है तो उसको पता लग जाता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है, मतलब एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, मैंने कितने लोगों से पैसा लेना है, किस किस से लेना है और मैंने कितने लोगों को पैसा देना है और कितना कितना देना है, मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है। तो ओवरऑल हमको सारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के प्रॉफिट लॉस सब पता लग जाता है। अल्टीमेटली हम अकाउंट्स को मेंटेन क्यों करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, एसेट्स का पता लगाने के लिए, लाइबिलिटीज का पता लगाने के लिए, एक बिजनेसमैन की बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पर अब हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर आपको बात, ये बात तो हमको सबको पता ही है, पार्टनरशिप जैसे ही वर्ड हमारे सामने आता है हमको पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, कि जब कम से कम दो लोग मिलकर, कम से कम दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पर पार्टनरशिप शुरू करने से पहले हमको ये क्वेरी, ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना चाहिए कि पार्टनरशिप की आखिर जरूरत क्यों होती है, क्या जरूरत है हमको पार्टनरशिप करने की। क्योंकि किसी भी चीज की जरूरत, किसी भी टॉपिक की हमको जरूरत तब पड़ती है जब पीछे से कोई लिमिटेशन आ रही हो। तो सिंपल सी बात, पार्टनरशिप की जरूरत इसलिए है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ कमियां आती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, जब एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से हम कहाँ जाते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पर्सन जब अकेला बिजनेस कर रहा होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम, लिमिटेड रिसोर्स। जब एक अकेला पर्सन काम कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, पैसा उसी ने लगाना है, रिस्क उसी ने सहन करना है, सारी मैनेजमेंट उसी ने संभालनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो पैसा फालतू नहीं आ सका, नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। उसके पास इतने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं कर सकता कि सब तरफ से पैसा इकट्ठा कर ले, इसलिए उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दूसरी बात, फुल लाइबिलिटी। बिजनेस के अंदर जब भी लाइबिलिटी की बात आती है तो जब अकेला बिजनेस काम कर रहा है, जब अकेला बिजनेसमैन काम कर रहा है तो सारी की सारी लाइबिलिटी, सारी की सारी सिरदर्दी उसकी खुद की होती है, उसने अकेला ही सभी लोगों को पैसा देना होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मान लो कल की डेट में बिजनेस फेल हो गया तो बिजनेस के फेल होने के बाद हो सकता है कि उसकी घर की प्रॉपर्टीज भी हमको सेल करके लोगों को पैसा चुकाना पड़ सकता है। तीसरी बात, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन का काम, परचेज का, मार्केटिंग का, मेंटेनेंस का, ये काम वो काम, सेल का काम संभालो, ये भी संभालो, तो एक पर्सन के अंदर सारे के सारे स्किल्स, सारी की सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। चौथी
चौथी बात, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस को एक्सपेंड तो कर सकते हैं, पर अगर अकेला व्यक्ति काम कर रहा होता है ना, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। हमारे पास बिजनेस को एक्सपेंड करने के तरीके इतने नहीं होते हैं। अकेला व्यक्ति काम करता करता इतना सारा बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकता, इसलिए ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की जो लाइफ होती है लिमिटेड होती है। क्यों होती है? बिजनेसमैन मान लो कल की डेट बीमार पड़ जाता है, या बुखार हो गया, या बिजनेसमैन की डेथ हो गई, या कोई प्रॉब्लम होगी, तो बिजनेस तो एक ही व्यक्ति कर रहा था, क्यों क्या करना पड़ेगा अपने को, बिजनेस बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट बात, रिस्क। बिजनेस में सारा का सारा रिस्क किसका होता है? एक ही पर्सन का, अकेले का होता है, तो एक ही पर्सन को सारा का सारा रिस्क सहन करना पड़ता है, सारी हेडेक उसी अकेले की होती है। तो इन लिमिटेशंस की वजह से हमको क्या करना होता है? पार्टनरशिप के अंदर आना होता है। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होते हैं? कम से कम दो लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक ऐसी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर से हमारी काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है, पहली करेक्टरिक्स, पहला फीचर आ गया। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है, किसके बीच में? लोगों के बीच में। वो एग्री हुए हैं, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस चीज का है? प्रॉफिट को शेयर करने का। वो प्रॉफिट किसको शेयर करेंगे? बिजनेस के, मतलब बिजनेस होना चाहिए पहली बात, प्रॉफिट होना चाहिए दूसरी बात, एग्रीमेंट होना चाहिए तीसरी बात, पार्टनरशिप के बीच में रिलेशंस है चौथी बात, वहां पे लोग काम कर रहे हैं पांचवी बात, फिर बिजनेस सभी मिलकर भी चला सकते हैं, कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस चाहे तुम मान लो पांच लोग काम कर रहे हैं, पांच में से एक बंदा अकेला या तो बिजनेस चला ले सबकी तरफ से, या पांचों के पांचों लोग भी चला सकते हैं, या दो लोग भी मिलकर सबकी तरफ से भी बिजनेस चला सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डेफिनेशन में से हमारी पार्टनरशिप के काफी सारे फीचर, काफी सारी करेक्टरिक्स बाहर निकल कर आ रही है, जो हम इस टॉपिक में भी देख लेते हैं। देखिए, पहली बात, टू और मोर पर्संस, पार्टनरशिप की पहली फीचर, पार्टनरशिप का पहला करेक्टरिक्स क्या है? कम से कम पार्टनरशिप के अंदर दो लोग होने चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि पार्टनरशिप कम से कम दो लोगों की तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अकेला बिजनेस करने बैठ गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो कम से कम पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो लोग होने चाहिए, पर मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर 50 लोग होने चाहिए, पर मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। ये बात, मैक्सिमम पर्सन होने की बात, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई है। ये बात कहां लिखी हुई है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 50 पार्टनर होने चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, क्या है ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होने चाहिए। ये बात कहां लिखी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम लोग कहां कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए, पर ये बात कहां लिखी हुई है? इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये बात नहीं बोलती कि मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए। ये बात, मैक्सिमम मेंबर की बात किसने बोली है? कंपनीज एक्ट ने बोली है। तो ध्यान रखना है, मिनिमम मेंबर कितने होंगे? पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। तो पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। दूसरी बात, एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया था उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में, आप उन सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम बिजनेस चलाने के लिए तैयार हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि एग्रीमेंट ही होना चाहिए, ये इसमें हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, कानून बीच में नहीं आना चाहिए, उन सब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस चलाने का पर्पस होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने कोई इलीगल बिजनेस करना है, बिजनेस लीगल होना चाहिए, और बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसका जो टारगेट होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक ऐसा प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने, तीन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया, बस वो प्रॉपर्टी खरीद के हम बैठ गए, तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने के अंदर, हालांकि हम तीन लोगों ने पैसा लगाया, प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ गए, हमको मकान बनाना है, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस होना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। चौथी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करना आपका टारगेट होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को शेयर करना आपका टारगेट होना चाहिए। पर यहां पर एक बात अपने को ध्यान रखनी है, मान लीजिए ए बी सी डी चार पार्टनर हैं,
बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट चारों को मिलना चाहिए, तब ही हम इनको क्या कह सकते हैं, पार्टनर कह सकते हैं। मान लो पार्टनरशिप के अंदर चार लोग काम कर रहे हैं, चारों के चारों पार्टनर हैं ए बी सी डी, तो चारों को प्रॉफिट मिलना बहुत जरूरी है। मान लो डी को हम प्रॉफिट नहीं देते हैं या डी को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो डी को हम पार्टनर भी नहीं कह सकते। तो बिजनेस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लॉस में भी हिस्सा लें, पर सभी को प्रॉफिट मिलना बहुत जरूरी है। मान लो हम बी को लॉस में हिस्सा नहीं देते हैं तो बी को फिर भी हमको पार्टनर कहना है। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनरशिप के अंदर सभी को प्रॉफिट में हिस्सा लेना जरूरी होता है, तभी पार्टनर कह सकते हो। पर यह जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पार्टनर लॉस में भी हिस्सा लें। अगली बात, प्रिंसिपल एंड एजेंट, उनका जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। एजेंट का रिलेशनशिप क्यों होता है, एजेंट क्यों बोलते हैं पार्टनर्स को, क्योंकि मान लो कोई पार्टनर एजेंट की तरह काम करता है, मान लो ए एजेंट की तरह काम करता है, तो इसने मान लो कहीं पर एग्रीमेंट कर दिया तो ये इन तीनों को अपने काम से बाध्य कर सकता है, अपने एग्रीमेंट से, कि मैं एग्रीमेंट करके आया हूं तुमको भी बात माननी पड़ेगी। प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद बाकी के तीन लोगों के एक्ट से भी बाध्य होता है। मान लो तीनों ने कहीं से बाहर से एग्रीमेंट करके आए तो उन लोगों की बात भी इसको माननी पड़ेगी, इसलिए इन सब के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। मतलब कोई भी किसी की तरफ से काम करके बिजनेस में आ सकता है। चौथी छठी बात, नॉन सेपरेट एग्जिस्टेंस, बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब पार्टनर्स, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का कोई एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होता है। अगर फर्म के नाम से हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, फर्म के नाम से हमने किसी से पैसा लिया है, तो हमको वो पैसा पार्टनर्स को ही चुकाना पड़ेगा, चाहे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी क्यों ना बेचनी पड़े, तो उनका एग्जिस्टेंस सेम होता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग नहीं है, दोनों को हम सेम मानकर चलेंगे। सातवीं बात, बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर एक्टिंग फ्रॉम ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लो चार पार्टनर हैं, बिजनेस चाहे तो पांचों लोग मिलकर भी चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बाकी के लोग एग्री हैं तो ए सबकी तरफ से भी बिजनेस चला सकता है, या मान लो बाकी के ए और बी दोनों लोग मिलकर बाकी के पांचों लोगों की तरफ से भी बिजनेस चला सकता है, या मान लो डी ने बोला कि मैं सबकी तरफ से बिजनेस चलाऊंगा, बाकियों ने यस कर दी, तो हम बिजनेस चला सकते हैं। मतलब बिजनेस कोई एक भी चला सकता है और चाहे तो सारे पांचों के पांचों लोग मिलकर भी बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है तो हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते उसको, मतलब पार्टनरशिप है ही नहीं वो। तो पार्टनरशिप के अंदर ये सातों फीचर होने बहुत जरूरी है। अगली बात, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के अधिकार। सिंपल सी बात, राइट पार्टनर का पहला क्या है, प्रॉफिट और लॉस के अंदर शेयर लेना। जो प्रॉफिट और शेयरिंग का रेशियो जो फिक्स हुआ है, वो दूसरे को भी वो प्रॉफिट और शेयर, प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा उसको देगा और खुद भी वही प्रॉफिट और शेयर का हिस्सा, जो भी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो फिक्स हुआ है उसको लेना होता है, और दूसरों को भी बाध्य कर सकता है कि हमने जो रेशियो फिक्स किया था तुमको भी वही राइट है, तुमको भी वही रेशो में प्रॉफिट और लॉस लेना है। दूसरी बात, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी पार्टनर बिजनेस के कंडक्ट के अंदर, कंडक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। तीसरी बात, कंसल्ट बिजनेस के मैटर्स के अंदर कंसल्ट कर सकता है कोई भी पार्टनर, हर किसी को छूट है। ऐसा नहीं है कि चार पार्टनर पांच पार्टनर काम कर रहे हैं, ए बी सी कहें कि डी तेरे को बोलने का हक नहीं है, नहीं, सभी कंसल्ट कर सकते हैं। चौथी बात, इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी, कोई भी पार्टनर बिजनेस की जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, और कभी भी कहे तो, और कभी भी चाहे तो एक फोटो कॉपी भी ले सकता है। पांचवी बात, डिस अलाउ ए न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर चाहें तो किसी नए पार्टनर के आने के ऊपर एंट्री भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डी एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आना चाहता है, ए एग्री है, बी एग्री है, सी मना कर देता है, तो ये डी को हम पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब फर्म के अंदर अगर कोई नया बंदा पार्टनर बनकर आना चाहता है तो सभी को यस होना पड़ेगा, तभी वो पार्टनर एग्री कर सकता है। अगर तीनों में से एक पार्टनर ने भी अगर मना कर दिया है कि इस बंदे को पार्टनर नहीं बनाना, तो मतलब आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते हो। अगली बात, ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जितने भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, फर्म की प्रॉपर्टी होती है, हर कोई उसके अंदर ओनर होता है, मालिक होता है बराबर का, वो भी जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट पता नहीं है, तो वो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है। मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट हमको नहीं पता है, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का उसको अधिकार है, किसको, पार्टनर को।
आठवीं बात एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर फर्म की ओर से एक्सपेंस करता है, फर्म के नाम पर एक्सपेंस करता है, फर्म के बिहाफ पर फर्म की ओर से खर्चा करता है, तो वो एक्सपेंस फर्म से ले सकता है। रिटायरमेंट, अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिटायरमेंट लेनी है तो उसको एक नोटिस देना होता है कुछ टाइम पहले, और उसके बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट भी ले सकता है। तो इस वीडियो के अंदर अपने क्या देखा, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की जरूरत क्या होती है, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर काफी सारी कमियां आ रही थी, एक ही बंदा काम करने वाला है। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखी, ये डेफिनेशन तो एज इज रट लेना, क्योंकि ये पेपर में कभी कभी आपको लिखनी है तो इसके एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। इसी के बिहाफ पर हमने फीचर देखे, सबसे खास बात कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर की बात, इस वीडियो के अंदर आप फिर से अच्छे से देख लेना। फिर हमने देखे कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है उसके राइट क्या होते हैं। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।